हेलो एवरीवन, सिंशियर ब्रेनडी में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, दैट इज द प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स एमसीक्यू सीरीज पार्ट 10। तो ये जो वीडियो है हमारे, चाहे वो प्लांट ब्रीडिंग के एमसीक्यू सीरीज है, हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज है, या आपका जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज है, वेजिटेबल साइंस की एमसीक्यू सीरीज है, आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की एमसीक्यू सीरीज है, या एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड हैं, या दूसरे जो हम जनरल टॉपिक्स डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। सो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर mRNA फ्रॉम द प्रीकर्सर RNA रिक्वायर्स द एक्टिविटी ऑफ। प्रीकर्सर RNA से न्यूक्लियर mRNA बनने के लिए किस चीज़ की एक्टिविटी चाहिए होती है? इसका राइट आंसर है आपका ए, स्प्लाइसोसोम्स। तो जो स्प्लाइसोसोम्स हैं, दे आर रिक्वायर्ड जब हमें प्रीकर्सर RNA से न्यूक्लियर mRNA बनाना होता है, राइट। नेक्स्ट इज प्लाज्मिड्स विच मे इंटेग्रेट इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। ऐसे प्लाज्मिड्स जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स में इंटेग्रेट कर जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हम एपिसोम्स। नेक्स्ट इज हेरिटेबल चेंज इन जीन एक्सप्रेशन That does not involve change in underlying DNA is termed as। जो हेरिटेबल चेंज आता है जीन एक्सप्रेशन में वो किस वजह से होता है? बट दैट इज नॉट ड्यू टू द चेंज इन अंडरलाइंग DNA, मतलब DNA की जो सीक्वेंस उसमें जो चेंज आता है उसकी वजह से चेंज नहीं है, बट ऐसा चेंज जो कि हेरिटेबल चेंज इन जीन एक्सप्रेशन है, बट दैट इज नॉट ड्यू टू द चेंज इन अंडरलाइंग DNA, तो इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? तो दैट इज नोन एज एपिजेनेटिक्स। नेक्स्ट इज इन सिकल सेल सिंड्रोम द अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूटेड इज। जो सिकल सेल सिंड्रोम होता है उसमें जो अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूट होता है तो वो कौन सा होता है? ग्लूटामिक एसिड बाय द बैलिन इन द अल्फा चेन में, या बैलिन बाय द ग्लूटामिक एसिड इन चेन, या ग्लूटामिक एसिड बाय बैलिन इन बीटा चेन में, या नन ऑफ। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका सी। तो जो सिकल सेल सिंड्रोम में क्या होता है, जो ग्लूटामिक एसिड होता है दैट इज सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है बाय द बैलिन इन द बीटा चेन। नेक्स्ट इज इन सिकल सेल एनीमिया द डिफॉर्मिटी इज इन। जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो उसकी वजह से जो डिफॉर्मिटी आती है वो किस में आती है? व्हाइट ब्लड सेल्स में आती है, प्लेटलेट्स में, रेड ब्लड सेल्स में, या नन। तो इसका राइट आंसर है आपका सी। तो रेड ब्लड सेल्स में डिफॉर्मिटी आती है सिकल सेल एनीमिया की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसेसिव ट्रेट इन गार्डन पी। इनमें से कौन सा जो है रिसेसिव ट्रेट है गार्डन पी का? इसका राइट आंसर है आपका सी, रिंकल्ड सीड्स। नेक्स्ट इज द पेरेंटल लाइन सिलेक्शन कैन बी परफॉर्म बाई पर्टिकुलर मेटिंग डिजाइन सच एज। इनमें से कौन सा मेटिंग डिजाइन है जिससे हम आइडियल पेरेंट्स जो है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ अबव, यानी कि लाइनिंग टू टेस्ट मेटिंग डिजाइन, नॉर्थ कैरोलिना डिजाइन, देन डायलील मेटिंग डिजाइन, दी कैन बी यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंटल लाइन्स, राइट। नेक्स्ट है डैश इज डिफाइंड, डैश डिफाइंड GCA जनरल कमांडेबिलिटी को डिफाइन किया एज द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ए जीनोटाइप इन ए सीरीज ऑफ हाइब्रिड कम्बिनेशन। तो हु डिफाइंड GCA एज द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ए जीनोटाइप इन ए सीरीज ऑफ हाइब्रिड कम्बिनेशन? तो इसका राइट आंसर है आपका डी, स्प्रेग एंड टोटम। स्प्रेग एंड टोटम ने GCA को डिफाइन किया था एज एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ए जीनोटाइप इन सीरीज ऑफ हाइब्रिड कम्बिनेशन। नेक्स्ट रिकरेंट सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय डैश इन 1945। जो रिकरेंट सिलेक्शन है ये किसने दिया था फिनोमेनन, जो ब्रीडिंग प्रोसीजर है, इन 1945 में? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, हल ने। द रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन स्कीम वाज प्रपोज्ड बाय, जो रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन स्कीम है ये किसने प्रपोज की थी? इसका राइट आंसर है आपका ए, कॉमस्टॉक एट अल ने 1949 में। नेक्स्ट इज ग्रिफिंग इज एसोसिएटेड विद, जो ग्रिफिंग है ही एक्चुअली उसने डिस्क्राइब किया था डायलील मेटिंग डिजाइन को 1956 में। नेक्स्ट इज विच कंट्री वाज फर्स्ट टू बिगिन कमर्शियल यूज ऑफ ट्रांसजेनिक टोमेटो एंड टोबैको। इनमें से कौन सी कंट्री थी जिसने कमर्शियल लेवल पे फर्स्ट टाइम यूज किया था ट्रांसजेनिक टोमेटो को और टोबैको को? इसका राइट आंसर है आपका सी, चाइना। नेक्स्ट इज इन इंडिया इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी टू डिसाइड कमर्शियल यूज ऑफ GMOs इज। इंडिया में कौन सी कमेटी है जो कि कमर्शियल यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को अप्रूव करती है या डिसाइड करती है? इसका राइट आंसर है आपका AGEAC, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। नेक्स्ट इज द फर्स्ट जीनोम सीक्वेंस वाज
इनमें से किस ऑर्गेनिज्म का जीनोम था जो सबसे पहले सीक्वेंस किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी का। नेक्स्ट इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय, जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी वो किसने दी थी? इसका राइट आंसर आपका सुटन एंड बोवरी ने। नेक्स्ट इज द जीन डेंसिटी इन ह्यूमन जीनोम इज, जो ह्यूमन जीनोम होता है उसमें जीन डेंसिटी कितनी होती है? इसका राइट आंसर आपका सी, यानी कि 1 जीन पर 100 KB। नेक्स्ट इज द प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज जीन, देयर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस एंड देयर फंक्शन इज टर्म्ड एज, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिसमें कि जीन्स की जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं और उनके फंक्शंस को हम डिटरमिन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो दैट इज नोन एज एनोटेशन। द प्रिंटेड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चिप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो प्रिंटेड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड चिप्स होती हैं तो वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं? तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फोटोलिथोग्राफी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, इनमें से कौन सा जो वो प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस नहीं है? इसका राइट आंसर आपका सी, DBEST। ये जो है एक्चुअली काइंड ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए सीक्वेंस का डेटाबेस है। नेक्स्ट इज द बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज कॉज्ड बाय डैश इन राइस, राइस में जो बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज है वो किसके द्वारा होती है? तो डेट इज कॉज्ड बाय जेंथोमोनास ओराइजी पैथोबार ओराइजी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंशियर ब्रेनरी। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं सिंशियर ब्रेनरी के नाम से। जय हिंद।